हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन पे। और आज के इस वीडियो में कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसके बेसिस पे जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो भी क्वेश्चंस है वो काफ़ी सिलेक्टेड है और काफ़ी बेसिक है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड एज। देखिए, मैंने आपको बताया है, इसका डेफिनेशन भी बताया था क्या होता है बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड में हम लोग सैंड में ड्राई सैंड की बात करते हैं, ठीक है? जब आपका ड्राई सैंड का वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है, वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। यही होता है आपका बल्किंग ऑफ सैंड, ठीक है? तो देखिए ऑप्शन को कौन सा मैच कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग पे ही ऑप्शन मैच करेगा। तो ये देखिए डी ऑप्शन आपका मैच कर सकता है, स्वेलिंग ऑफ सैंड। मतलब जब सैंड में स्वेलिंग होगा, मतलब क्या, सैंड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब? जब वेटेड होगा। वेटेड मतलब क्या, मॉइस्चर कंटेंट उसमें होगा, सैंड में वेटेड होगा, है ना? सैंड वेटेड होगा आपका, मतलब मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है? तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका ये बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ फ्लेकी पार्टिकल इन कंक्रीट एग्रीगेट्स, ठीक है? जब एग्रीगेट्स में क्या होता है, कंक्रीट एग्रीगेट्स फ्लेकी पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो क्या होता है? तो इस केस में देखिए वर्कबिलिटी भी घटता है, फिर क्या है आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर भी बढ़ जाता है, ठीक है? ये भी आपका सही है, मोर देन 15% आर नॉट डिजायरेबल, मतलब ये भी सही है। तो ओवरऑल जो आपका आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है? आपका आंसर डी के साथ चला जाएगा, डी आंसर होगा, ठीक है? तो ये आपका, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे, एज कम्पेयर टू OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एलुमिना सीमेंट हैज, ठीक है? OPC के कंपेयर में हाई एलुमिना सीमेंट हैज, किसके बेसिस पे ये आपसे आंसर पूछ रहा है? सेटिंग टाइम के बेसिस पे, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के बेसिस पे आपसे आंसर पूछना चाह रहा है ये, ठीक है? तो ये OPC के कंपेयर में आपको हाई एलुमिनस सीमेंट का जो होगा आपका इनिशियल सेटिंग टाइम तो ज़्यादा होता है, ठीक है? इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है आपका, ज़्यादा होगा, ठीक है? हाई होता है ना, टाइम आपका हाई होता है। बट वही फाइनल की बात करते हैं तो फाइनल में आपका ओवरऑल जो टाइम होगा वो कम हो जाता है, ठीक है? फाइनल जो होगा आपका वो लोअर होता है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखें। तो ये ऑप्शन देखिए कौन मैच कर रहा है, हाई इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम, ए इज़ द राइट ऑप्शन, ए के साथ आंसर चला जाएगा आपका, ठीक है? ध्यान रखिएगा OPC के कंपेयर में हाई एलुमिना सीमेंट में क्या मिलाते हैं, एलुमिना मिलाते हैं, जो सेटिंग टाइम को, ओवरऑल जो सेटिंग टाइम जो सेट होता है उसका जो आपका टाइम होगा उसको कम कर देता है, इनिशियल सेटिंग टाइम कम होता है, ठीक है? ज़्यादा होता है, सॉरी, ये इनिशियल सेटिंग टाइम आपका ज़्यादा होता है, हाई होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम आपका कम होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाई, है ना, कौन सा टेस्ट है जिसमें वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट मेजर करते हैं? देखिए विकेट एपरेटस टेस्ट, ये आपका कंसिस्टेंसी के लिए होता है ना। स्लम टेस्ट होता है आपका वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सीमेंट यूज्ड फॉर नॉर्मल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ए मिक्सचर ऑफ, ठीक है? तो ये देखिए आपका ये ऑप्शन जो होगा सिलिसियस प्लस एर्गिलेसियस एंड
कैलकेरियस भी करते हैं ये, है ना, कैलकेरियस भी इसमें यूज होता है। ठीक है, कौन से कंपाउंड में, आपको इस वाले नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में जो आप बर्निंग ए मिक्सचर ऑफ ये सिलिसियस प्लस एग्रीलिसियस और प्लस कैलकेरियस, है ना, कैलकेरियस, ये तीनों होता है आपका यूज। ठीक है, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए ये देख लीजिए, साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स डज नॉट एक्सेड्स, ये सबको पता है कि ये 4.75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, किसके लिए, फाइन एग्रीगेट के लिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा 4.75 से तो क्या होगा आपका, ये आपका कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ तक होना चाहिए, द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 4.75। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, स्लम टेस्ट इज डन फॉर, पहला ऑप्शन है क्ले, सैंड, लाइम, कंक्रीट। स्लम टेस्ट किसके लिए होता है, तो पता है आपको किसके लिए होता है, कंक्रीट के लिए होता है। क्या फाइंड करते हैं, वर्कबिलिटी, ठीक है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट किससे फाइंड करते हैं, स्लम टेस्ट से करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट ऑप्शन, कंक्रीट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, ली चैटलियर्स एपरेटस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग, कौन सा टेस्टिंग के लिए आपको ली चैटलियर्स एपरेटस यूज करते हैं। देखिए ये साउंडनेस ऑफ सीमेंट टेस्ट जो है, इससे इसमें क्या करते हैं आपको, ली चैटलियर्स एपरेटस यूज करते हैं। ठीक है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट्स आर देयर टू फाइंड वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी को फाइंड करने के लिए कितने टेस्ट हैं, है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, टोटल 5 टेस्ट हैं जिससे वर्कबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला टेस्ट है आपका स्लम टेस्ट, दूसरा टेस्ट है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, तीसरा आपका है फ्लो टेबल टेस्ट, चौथा आपका है वीवी टेस्ट, और पांचवा टेस्ट है आपका केली बॉल टेस्ट। तो आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा, टोटल 5 टेस्ट है जिससे आप वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट्स, टोटल 5 टेस्ट हैं जिससे आप वर्कबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल ये 5 है टेस्ट है जिससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, देखिए इस टेस्ट से भी, ये टेस्ट से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। कैसा क्वेश्चन आता है, पूछ देगा, ये 4 ऑप्शन दे देगा आपको, पूछ लेगा आपसे कि इसमें से हाई वर्केबल कौन है, लो वर्केबल कौन है, मीडियम वर्केबल कौन है। तो याद रखिएगा, जब आपको आपसे ये पूछा जाए कि हाई वर्केबल, तो ये आपका फ्लो टेबल टेस्ट हाई वर्केबल देता है। ठीक है, हाई वर्केबल, कौन सा टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं लो वर्केबल कौन देगा, कौन सा टेस्ट है, तो ये आपका कॉम्पैक्टिव फैक्टर टेस्ट लो वर्केबल देता है। ठीक है, लो वर्केबल, ठीक है, मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम आपका स्लम टेस्ट दे देता है। याद रखिएगा, ये स्लम टेस्ट आपको देगा मीडियम, मीडियम वर्केबल। ठीक है, जनरली ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लो वर्केबल और हाई वर्केबल, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, देन फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग इज टैकन एज, है ना, ओवर टर्निंग के लिए किसका डिजाइन कर रहे हैं आप, रिटेनिंग वॉल का, डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल, तो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कितना लेंगे, 2 लिया जाता है, है ना, 2 से कम नहीं लेना है आपको, है ना, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग इज टेकन एज 2, किसके लिए, डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल।
ठीक है, याद रखिएगा टू होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मिनिमम लेते हैं टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विकेट अपरेटस इज यूज्ड फॉर, ये अपरेटस किसके लिए यूज करते हैं, विकेट अपरेटस इज यूज्ड फॉर किसके लिए यूज करते हैं, फाइनेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, टेस्ट फॉर सेटिंग टाइम, टेस्ट फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन काफ़ी गलती करते हैं सभी, है ना, क्या मार देंगे बिना मतलब का, ये क्या करते हैं सेटिंग टाइम मार देंगे, इस पर सी ऑप्शन मैच कर राइट कर देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, आपका मेन जो आंसर होगा वो होगा कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, कंसिस्टेंसी के लिए आपको ये यूज करते हैं विकेट अपरेटस। ठीक है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 13 देखिए, लॉस एंगल्स मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फोर। ठीक है, ये जो मशीन है लॉस एंगल्स मशीन, वो कौन से टेस्ट में, टू टेस्ट एग्रीगेट फोर किसके लिए करते हैं ये बताइए, क्रॉसिंग स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट वैल्यू, एब्रेशन रेजिस्टेंस, वाटर एब्जॉर्प्शन। लॉस एंगल्स मशीन से क्या देता है ये, आप इसके लिए आप एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए आप ये फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, एब्रेशन, एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, लैब में देखे होंगे आप लॉस एंगल्स मशीन कैसा होता है, उसमें कैसे टेस्ट करते हैं, किसके लिए करते हैं, एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। ठीक है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, देन फिर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाटर सीमेंट रेशियो इज, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ कंक्रीट टू दैट ऑफ वाटर, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी ऑफ द अबव। ठीक है, ये आपका वाटर सीमेंट रेशियो किस में कंसिडर करते हैं, ये तो है तो क्वांटिटी ही वाटर और सीमेंट। ठीक है, वाटर और सीमेंट का ही क्वांटिटी है ये, आप वॉल्यूम में भी बाई वॉल्यूम भी लेते हैं और बाई वेट भी लेते हैं। ठीक है, ये आपका है क्या वाटर सीमेंट रेशियो है, ये आप वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, है ना, बाई बाई वॉल्यूम और वेट भी ले सकते हैं, कंक्रीट का तो बात ही नहीं है, है ना, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो दोनों आपका वेट से भी बाई वेट भी ले सकते हैं, बाई वॉल्यूम भी ले सकते हैं, किसका किसका क्वांटिटी, वाटर का और सीमेंट का, वाटर का सीमेंट का, ये वॉल्यूम में है आपका और ये आपका क्या है वेट में, तो ये दोनों कंसिडर कर सकते हैं, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी ऑफ द एवव। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द कंक्रीट टू अचीव 100% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, 100% स्ट्रेंथ के लिए आपको कितने दिनों तक रखना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग विल वी टेक फॉर द कंक्रीट टू अचीव 100% ऑफ स्ट्रेंथ, कंक्रीट को कितने दिनों तक आपको 100% अचीवमेंट के लिए रखना होगा बताइए, तो आपका इसका आंसर जो होगा वो 28 डेज आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, 28 डेज के लिए रखना पड़ेगा 100% आपको जब स्ट्रेंथ चाहिएगा तब, किस में रखते हैं कंक्रीट को, किस में रखेंगे, वाटर में रखेंगे। ठीक है, अगर कोई आप क्यूब वगैरह बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, स्ट्रेंथ क्रॉसिंग टेस्ट करते हैं ना, है ना, क्यूब क्रॉसिंग टेस्ट, तो उसमें क्या करते हैं आप वाटर में, जब आप इसको 28 डेज के लिए रखेंगे तो ये आपको फुल स्ट्रेंथ देगा, 100% स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, तो आपको 28 डेज पे आपको इसको बाहर निकालना है, देन फिर आपको 100% स्ट्रेंथ देगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।